हेल्दी लाइफ का लंबा सफर छोटी गोलियां बड़ा असर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं हैप्पी होम्योपैथी फैमिलीज का हेल्दी सफर छोटी गोलियां बड़ा असर डॉक्टर AK द्विवेदी जी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूं तो एक स्वस्थ मानव शरीर स्टील मैन की तरह होता है जो बाहरी प्रदूषण से भी प्रभावित नहीं होता और जिसमें हर बीमारी से हर मौसम में लड़ने की क्षमता होती है। मगर जिस तरह यदि लोहे पर कहीं जंग लग जाए तो वह धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, उसी तरह यदि मानव शरीर में भी कहीं ट्यूमर या गठान हो जाए तो वह पूरे शरीर को और यहाँ तक कि पूरे जीवन को खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, डॉक्टर AK द्विवेदी जी की 50 मिलीसीमल पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे ही स्टील मैन की सक्सेस स्टोरी जो शरीर से तो पूरी तरह स्वस्थ है ही, साथ ही स्टील के कारोबार में भी उनका बड़ा नाम है। आइए बात करते हैं मिस्टर GN शर्मा जी से। मेरा नाम GN शर्मा है। मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, यानी इस्पात के विषय पर मेरी अच्छी दखल है और पूरे भारतवर्ष में मैं जाना जाता हूँ। 1986 में मैंने अपना इंदौर में आके अपना उद्योग स्थापित कर लिया है और इस्पात प्लांट में लगने वाली मशीनें मैं बना के बाजार में सप्लाई करता हूँ। करीब 4-5 साल पहले मेरे गले में कुछ हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था। जब मैं सर को नीचे झुकाता था या चलते चलते मान लो कार में झपकी आ गई तो नीचे झुकते के साथ ही खांसी आने लगती थी, फिर सीधा कर लेता था ठीक हो जाता था। ये सिलसिला करीब 2-3 महीना चला। मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब ज़्यादा हो गया तो मैं ग्रेटर कैलाश में उनके सबसे जो फेमस स्पेशलिस्ट थ्रोट के हैं उनके पास दिखाया। उन्होंने बोला आपको तो ट्यूमर है। मैं घबरा गया, ट्यूमर के नाम से ही थोड़ी घबराहट होती है। बोले कोई घबराने की बात नहीं है, ये कोई दूसरा ट्यूमर नहीं, बस साधारण सा ट्यूमर है जो अक्सर होता रहता है, तो आप चिंता मत कीजिए, बस अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं ऑपरेशन कर दूंगा। मैंने पूछा कितना खर्चा लगेगा। मैंने खर्चा उर्चा ज़्यादा नहीं लगेगा, 50-60 हज़ार 1 लाख में हो जाएगा। तो ठीक है, खर्चे की उतनी इशू नहीं थी, बट ऑपरेशन के डर से ही मैं काफ़ी घबरा गया। और फिर मुझे याद आया एडवांस होमियो ट्रीटमेंट का, डॉक्टर AK द्विवेदी से पहले भी मैं दिखा चुका था, फिर उनके पास गया। तो एज यूजुअल उनका जो व्यवहार है, उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उनका जो अपने विषय के प्रति जो प्रतिबद्धता है या रोग को दूर करने में जो उनकी क्षमता है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा शर्मा जी चिंता मत कीजिए, ये आपका रोग ठीक हो जाएगा। पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि कैसे ठीक हो जाएगा, जो चीज़ ट्यूमर है वो कैसे होम्योपैथिक से ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बहू भी होम्योपैथिक की अच्छी डॉक्टर है, तो उसने भी कहा कि नहीं बाबा जी आप एक बार लिखवा लीजिए। और मेरी पत्नी तो AK द्विवेदी जी के काफ़ी भक्त हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी दवाइयाँ उन्होंने ली हैं, उनको ठीक किया, तो मैं फिर उनका कोर्स लेना शुरू किया और 3rd महीने में से ही खांसी कम हो गई और 6th महीने में तो बिल्कुल गायब हो गया। और डॉक्टर ने बोला अब आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैं दोबारा ग्रेटर कैलाश में जाके दिखाया, तो डॉक्टर साहब बोले आप फिर आ गए, इतने दिन अब तक कहाँ थे। मैंने बोला देख लीजिए सर वो है भी कि नहीं। उन्होंने जांच करके देखा तो देखा तो कहीं ट्यूमर था ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल जादू हो गया। इसकी कोई ऐसा उदाहरण भी कभी मैंने सुना नहीं होम्योपैथिक में। ठीक है कम बेसी होता है, लेकिन बिल्कुल से कोई चीज़ गायब हो जाए, ये मेरा पहला अनुभव था और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को खुद से धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, ये थे GN शर्मा जी जो हमें बता रहे थे कि किस तरह एक छोटे से ट्यूमर ने उनकी ज़िंदगी में टेंशन ला दिया और किस तरह होम्योपैथी चिकित्सा से उन्हें राहत मिली। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर AK द्विवेदी जी से और जानते हैं कि क्या होता है ट्यूमर और कैसे होम्योपैथी चिकित्सा इस पर कारगर साबित हुई। डॉक्टर AK द्विवेदी जी नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस मरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ उसको गले में ट्यूमर की परेशानी थी। आप सोचिए दोस्तों, अगर आपके गले में ट्यूमर हो जाए
और डॉक्टर या अस्पताल वाले आपको गले के अंदर ऑपरेशन की बात करें और जिसमें यह भी बताया जाए कि हो सकता है ऑपरेशन के बाद आपकी आवाज़ चली जाएगी, तो मरीज के ऊपर क्या गुजरती होगी। जी दोस्तों, मिस्टर जी एन शर्मा जो पेशे से उद्योगपति हैं, अनूपनगर में रहते हैं, कुछ वर्ष पूर्व उनके गले में एक ट्यूमर की शिकायत हो गई। उन्होंने इंदौर के कई डॉक्टरों को दिखाया और सभी डॉक्टरों ने एक ही बात बोली कि उनके गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन के नाम से वे इतना भयभीत हो गए, वे दूसरा विकल्प खोजने लगे। एक तो गले में ट्यूमर, ट्यूमर के कारण गले की परेशानी, आवाज़ की परेशानी, उनके आवाज़ में भारीपन आ गया, खराश आने लगी और रोज़ उनको ट्यूमर का डर सताने लगा। और फिर डॉक्टरों ने बोला कि आपको ऑपरेशन के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जी एन शर्मा जी चूँकि पूर्व से ही मुझसे परिचित थे, पूर्व में खुद के लिए भी और परिवार के इलाज के लिए आते रहते थे, जैसे ही उन्हें शहर के डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी, वे तुरंत रिपोर्ट लेकर के मेरे पास आ गए और मुझे बोले, डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, मुझे ऑपरेशन से बचा लीजिए। मैंने बोला, शर्मा जी क्यों चिंता करते हो, कुछ दिन दवाई लीजिए, ट्यूमर ऐसे ही गायब हो जाएगा, आप क्यों डर रहे हो इतना। जी एन शर्मा जी को सहर्ष विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन मरता क्या ना करता, उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, या तो होम्योपैथिक दवाइयाँ थी या फिर ऑपरेशन था। पैसे की उनके पास कोई परेशानी नहीं थी, ऑपरेशन के लिए जा सकते थे, लेकिन ऑपरेशन वालों ने जो उन्हें बोला था कि ऑपरेशन के बाद हो सकता है उनकी आवाज़ चली जाएगी, 1% ऐसी चांसेस बताया था, उससे वो काफ़ी डर गए थे। मैंने कुछ महीने उनको दवाई दिया और कुछ महीने के बाद जब उनको लगा कि वो पूरी तरह से अब स्वस्थ हो गए हैं, उनकी आवाज़ पहले से बेहतर हो गई है, बीमारी होने के पूर्व जैसी आवाज़ थी वैसी आवाज़ आ चुकी है, तब यह डिसाइड किया गया कि क्यों न उसी डॉक्टर के पास वापस जाया जाए जिन्होंने उन्हें पूर्व में ऑपरेशन का बोला था। जब जी एन शर्मा जी उसी डॉक्टर के पास उसी अस्पताल में पुनः दिखाने गए, तो उस डॉक्टर को भी सहसा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव है। जी एन शर्मा जी ने उनको बताया कि यह होम्योपैथिक दवाइयों से संभव हो सका है। और डॉक्टर द्विवेदी जो होम्योपैथी की 50 मिलीस्मल पोटेंसी यूज़ करते हैं, उससे बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में डेसिमल, सेंटीसिमल और 50 मिलीस्मल पोटेंसीज ऐसी पोटेंसी है, जब बीमारी ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं होती है तब सेंटीसिमल या डेसिमल पोटेंसी यूज़ की जा सकती है, लेकिन जब बीमारी गंभीरता लिए होती है और बीमारी आखिरी स्टेज की होती है या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, उस समय 50 मिलीस्मल पोटेंसी की होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत ही कारगर साबित हो रही हैं और रोगियों पे बहुत जल्दी आप परिणाम भी दे रही हैं, जैसा आप जी एन शर्मा जी को स्वयं सुन करके, देख करके अनुभव कर रहे होंगे कि उनके गले का ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गया, वह भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी कष्ट के, केवल होम्योपैथी की मीठी दवाइयों से। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में उल्लास, आनंद लाइए मीठी दवाइयों का सेवन करके। मेरे पास कई मरीज ऐसे आते हैं जो पहले ऑपरेशन करा लेते हैं और उसके बाद दोबारा उनको उसी तरह की परेशानी हो जाती है। मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि आप पहले होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें, हो सकता है आपको ऑपरेशन की नौबत ही ना आए। दोस्तों, गले की परेशानी, जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस या सोर थ्रोट की परेशानी हो जाती है या साइनस की परेशानी हो जाती है या एलर्जिक राइनाइटिस हो जाती है, ऐसे कई मरीजों को मैंने होम्योपैथी से पूरी तरह से उनकी बीमारियों से निजात दिलाया है, पूरी तरह से आराम पहुंचाया है और ऑपरेशन से बचाया है। तो आप होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें, हो सकता है आप भी ऑपरेशन से बच सकें। यदि आपके किसी भी रिश्तेदार या परिचित को इस तरह की कोई भी परेशानी है और उन्हें अन्य डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन की सलाह दी गई है, तो कृपया ऑपरेशन के पूर्व होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करके अवश्य देखें। आप हमारा यूट्यूब चैनल इसी तरह देखते रहें। आपको यह चैनल देखने के लिए सादर धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर AK द्विवेदी जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह 50 मिलीसीमल पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, जिस तरह जी एन शर्मा जी ने समय रहते समझदारी दिखाई और ऑपरेशन से पहले ही होम्योपैथी चिकित्सा पर भरोसा कर
अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त की, उसी तरह आप भी अपनी किसी भी शारीरिक बीमारी के लिए होम्योपैथी चिकित्सा को ही सबसे पहले चुनें। सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हैप्पी होम्योपैथी फैमिलीज का हेल्दी सफर, छोटी गोलियां बड़ा असर, डॉक्टर AK द्विवेदी जी के यूट्यूब चैनल पर। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें डॉक्टर AK द्विवेदी जी का यूट्यूब चैनल। टेक केयर। एडवांस होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, मयंक अपार्टमेंट, मनोरमागंज, गीता भवन मंदिर रोड, इंदौर। मोबाइल 9826042287, 9424083040। हम हैप्पीनेस को जीने वाले हैं, हम होम्योपैथी खाने वाले हैं, ओ होम्योपैथी खाने वाले हैं।